हेलो स्टूडेंट hmm? कैसे हो hmm? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे सो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल राजेशी क्लासेस सो स्टूडेंट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक एट्थ स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर एट सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन सो वील गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियो तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे ही पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस का जो है रिजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर के सेशन में तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोविडेंट मूवमेंट जो है वो शुरू की जाए और इस दौरान जो है गांधी जी ने जो है पहला जो है सॉल्ट एक्ट का जो है सत्याग्रह किया था हुँ? और उसके खिलाफ जो है दांडी ए, 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 मार्च जो उन्होंने जो है शुरू किया था साबरमती आश्रम से जो है दांडी तक का जो है 78 एट फॉलोअर के साथ में जो है उन्होंने पैदल जो है मार्च किया था ठीक है उसके बाद में जो है एक पेशावर सत्याग्रह हुआ जो खान अब्दुल गफार खान ने जो है किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रॉन्टियर में ठीक है देन सोलापुर सत्याग्रह हुआ मिल वर्कर्स जो है इस सोलापुर सत्याग्रह में जो है आगे आए थे और ये जो है बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ था और इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तब जो है फायरिंग का ओपन फायरिंग का जो है ऑर्डर दिया था और बहुत सारे वॉलेंटियरिस्ट जो है इसमें जो पार्टिसिपेट थे उनकी जो है उसमें डेथ हो गई थी देन uh, जो है धारासना सत्याग्रह जो किया गया था सरोजिनी नायडू जो है इस सत्याग्रह को लीड कर रही थी और इस सत्याग्रह में भी जो है बहुत सारे जो वॉलेंटियर्स है वो जो है लाठी चार्ज में जो है इंजर्ड हो गए मर गए कुछ और जब ये सत्याग्रह सत्याग्रहियों को मारा जा रहा था लाठी चार्ज में तो उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती थी और उनके जगह पर जो है दूसरे वॉलेंटियर्स जो है आकर बैठते थे तो इस तरह से जो है ये सत्याग्रह भी हुआ जो ने, नायडू ने भी जो है इस सत्याग्रह में जो है पार्टिसिपेट किया था देन सैक्रिफाइस ऑफ अ बाबू गेनो तो अब जो है हम देखने वाले हैं सैक्रिफाइस ऑफ अ बाबू गेनो इन मुंबई देयर वाज एजिटेशन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स तो मुंबई में जो है uh, फॉरेन गुड्स के खिलाफ जो है जो है विरोध प्रदर्शन जो है होने लगा था सो द व्हीकल्स ट्रांसपोर्टिंग फॉरेन गुड्स वे आर ऑब्स्ट्रक्टेड जो व्हीकल्स जो है फॉरेन गुड्स से भरे हुए ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग से आ रहे थे हाँ तो आ, उसको जो है रोका जाने लगा था तो हाँ. बाबू के न सैयद ये जो है आ, मिल वर्कर ये जो है मिल वर्कर था आ, और ये जो है मुंबई से था आ, तो इस मोमेंट में जो है ये लीड कर रहा था आ, और जब आ, आ, ट्रक कैरिंग फॉरेन गुड जब एक ट्रक जो है फॉरेन गुड से भरा हुआ आ रहा था तो पुलिस जो है उसको सेफ गार्ड कर रही थी तब जो है बाबू गेनू उसके सामने आ गया था वो ट्रक के टू स्टॉप द ट्रक लेट डाउन ऑन द रोड ट्रक को रोकने के लिए वो जो है ट्रक के सामने जो है लेट गए थे पुलिस लेट एंड हिम और पुलिस ने जो है उनको बहुत जो है आ, मारा था आ, आ, उनको जो है बहुत आ, मार दी थी आ, और आ, बट ही डिड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस लेकिन वो जो है उस प्लेस से जो है हटे नहीं सो फाइनली ही वाज क्रश अंडर द ट्रक और उसके फाइनली जो है उनको ट्रक के नीचे जो है कुचला गया तो बाबू गेनोगेंड मोटरिड ऑन और बाबू गेनो का जो ये सेक्रीफाइज uh, था वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस uh, था सो दिस दिस सेक्रीफाइज आप बाबू गेनू गिव इंस्पिरेशन टू द नेशनल मोमेंट और ये जो बाबू गेनू का सेक्रीफाइज था वो जो है एक इंस्पिरेशन रहा नेशनल मोमेंट के लिए आगे ठीक है तो यहाँ पे जो है डू यू नो दिया हुआ है वो हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अ सिविल डिसोबीडियट मोमेंट सो फीचर्स ऑफ अ सिविल डिसोबिडियंट मोवमेंट ये जो सिविल डिसोबिडेंट मोवमेंट है इसके फीचर्स जो है आगे दिए हैं सो ऑल द मोवमेंट टिल नाउ वे आर लिमिटेड ओनली इन द अर्बन एरिया तो अभी तक जितने भी मोवमेंट होते थे वो जो है अर्बन एरिया तक सीमित होते थे बट दिस मोवमेंट बिकेम अ नेशन वाइड मोवमेंट लेकिन ये जो सिविल डिसोबिडियंट मोवमेंट था वो नेशन वाइड था मतलब नेशन के हर एक पार्ट में जो है ये मोवमेंट जो है चला सो so पीपल रूरल एरियाज रजिस्टर्ड देयर पार्टिसिपेशन और जो रूरल एरिया के जो पीपल्स uh, हैं उन्होंने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था वुमन्स आल्सो टेक पार्ट्स इन द लार्ज नंबर और इस सिविल डिसोबीडियंट मोवमेंट में वुमन्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत बड़े पैमाने पर था hmm? जैसे कि कस्तूरबा गांधी है कमला देवी चट्टोपाध्याय है अवंतिकाबाई गोखले है लीलावती मुंशी है हंसाबेन मेहता है ये सब महिलाओं ने भी जो है इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट ट किया था ठीक है नेक्स्ट दिस मूवमेंट वॉज बेस्ड अ ऑनप्लीट नॉन वायलेंस और ये जो डिसोबिडियंट मूवमेंट चल रहा था वो कम्प्लीट नॉन वायलेंस पे जो है बेस्ड था मतलब इसमें कोई भी हथियार का यूज़ नहीं होता हो रहा था हाँ कोई वायलेंस जो है इसमें नहीं हो रहा था ओके द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू ग्रेटली सप्रेस द मोमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सत्याग्रह को जो है बहुत ज़्यादा सप्रेस करने का जो है प्रयास किया बट द पीपल प्रोटेस्टेड अन आर्म लेकिन जो इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे बिना शस्त्र के जो है वो अपनी मांग पर अड़े थे ड्यू टू द इंडियन पीपल्स बिकम फियरलेस और बहुत सारा लाठीचार्ज भी जो है पीपल्स के ऊपर हो रहा था बहुत सारा जो है प्रेशर जो है ब्रिटिश सरकार का उनके ऊपर हो रहा था लेकिन ये जो है डटे रहे और अपना जो है मूवमेंट जो है आगे बढ़ाते रहे तो इससे जो है इंडियन पीपल्स जो है वो फियरलेस हो गए थे ठीक है नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द ओपिनियन ऑफ अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड वाइल द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू रिगार्डिंग इंडिया शुड बी थॉट ओवर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनाल्ड जो है um, इनका जो है ओपिनियन uh, uh, ये था um, कि जब ये सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट जो है चल रहा था um, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो इंडिया के जो बाकी के जो इश्यूज हैं इसके ऊपर जो है उनका जो है न, न, विचार चल रहा था हाँ सो फॉर दिस पर्पज ही ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस एट लंडन और इस बाकी के इश्यूज के लिए जो है लंडन में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी दिस कॉन्फ्रेंस इज नोन एज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इसको जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इन द पीरियड बिटवीन नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन थर्टी टू थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर ऑर्गेनाइज तो नाइनटीन uh, थर्टी से नाइनटीन थर्टी टू के दरम्यान जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ली गई तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रामसे मैकडोनाल्ड वाज द चेयरमैन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये प्राइम मिनिस्टर जो है रामसे मैकडोनाल्ड यही जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंग्लैंड एंड इंडियन पार्टिसिपेंट इन द कॉन्फ्रेंस और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड और इंडिया के पार्टिसिपेंट्स जो है वहाँ पर आए हुए थे और इसमें जो है कौन कौन इंक्लूड है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है सर तेज बहादुर सपरा है बैरिस्टर जिना जो पाकिस्तान से थे ये सब जो है वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे इन द कॉन्फ्रेंस दे आर वेर डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक सच एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंट्रल लेवल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल स्टेट इन इंडिया एट्सेट्रा तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पे जो है डिस्कशन हुआ जैसे कि रिस्पॉन्सिबल गलट्रल लेवलिबल फेडरल स्टेट का निर्माण करने के बारे में भी जो है डिस्कशन किया गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड रूरल्स ऑफ अ प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है अलग अलग पार्टी के जो मेंबर्स है इंडिया के वो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जो प्रिंसली स्टेट्स है जो राजे शाही जो हमारे इंडिया के पार्ट्स में चल रहा था तो वहाँ के जो रूरल्स है मतलब जो राजे लोग जो है रूलर्स जो है वो भी उन्होंने भी जो है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था हावेवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट और इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो

द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस इज होप ऑफ अ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होप कर रहे थे कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें तो भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करेगा सो इन द व्यू ऑफ अ अपील मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और ऐसा अपील जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को किया द वॉइस राय रिलीज महात्मा गांधी और वाइस जो है हमारे इंडिया के उन्होंने महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया और जो अदर लीडर्स थे जो जेल में थे उनको भी जो है इसीलिए जो है रिलीज किया गया दस अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर वॉज क्रिएटेड फॉर द कांग्रेस टू डिस्कस द इशू फ्रीली अब इनको रिलीज करने की वजह से एक अच्छा एटमोस्फियर अच्छा 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 जो है क्रिएट हो गया था कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए जो आ, आ, किसी भी इशू पे जो है फ्रीली डिस्कस कर सकते थे अ पैक्ट साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइसराय इरविन इन आ, महात्मा गांधी और वाइस राय इरविन जो है इनके बीच में एक जो है पैक्ट साइन किया गया आ, विच इज नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट 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 अब ये जो pact था गांधी इरविन इसमें क्या कहा गया द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर दैट द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी एडेड इन द प्रपोजल प्रोजल कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन uh, का प्रपोजल जो दिया था uh, तो uh, ये जो uh, प्रपोजल दिया था uh, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो इस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंडियन पीपल्स को एश्योर कर दिया था और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में जो है दी जाएगी ये जो है उन्होंने उनको इंडियन पीपल्स को जो है एश्योर किया ठीक है नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंटली इंडियन नेशनल कांग्रेस विद्रॉ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और इसीलिए जब ये पैक्ट साइन किया गया तब जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है कांग्रेस कौ, ने जो है विद्रॉ कर दिया एंड एग्री टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और एग्री हो गए जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 थर्टी वन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज नाइनटीन थर्टी में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है ऑर्गेनाइज uh, हुई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई महात्मा गांधी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है वहाँ पार्टिसिपेट करने गए अलॉन्ग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज पोलिटिकल पार्टीज एज वेल एज अ प्रिंसली स्टेट्स वे आर इन्वाइटेड और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ में ही जो है बहुत सारे कास्ट और कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी जो है उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग गए और जो हमारे प्रिंसली स्टेट हाँ मतलब राज्य आ, आ, राजा लोगों के जो स्टेट है तो किंग लोगों के वो किंग्स भी जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए द गवर्नमेंट पुट फोर्थ द इश्यू ऑफ अ माइनॉरिटी इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और द गवर्नमेंट ने जो है आ, आ, जो माइनॉरिटी का जो मुद्दा है उसको जो है आ, वहाँ पर जो है डिस्कस uh, किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वेर डिफरेंट से रिगार्डिंग दिस इशू लेकिन जब ये डिस्कशन हो रहा था माइनॉरिटी के uh, विषय में तब जो है लोगों में इस uh, इसमें डिफरेंसेस आने लगे विचारों में जो है डिफरेंसेस आने लगे एंड आल्सो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और uh, ये जो प्रोस्पेक्टिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बात कर, uh, करनी शुरू हुई तो में भी जो है विचारों में जो है जो है डिफ्रेंसेस आने लगे सो so गांधी जी ट्राई टू ब्रिंग एन एनिमिटी इन द ओपिनियन बट वॉज अनसक्सेसफुल अब गांधी जी ने जो है इस विषय को जो है अच्छे से डिस्कस करने की सोची लेकिन जो है वो अनसक्सेसफुल रहे फाइनली गांधी जी बीकेम डिसअपॉइंटेड और फाइनली जो है गांधी जी डिसपॉइंट हुए एंड रिटर्न बैक टू इंडिया और फिर बैक आ गए इंडिया में नेक्स्ट जो है पुना पैक्ट हुआ हुँ? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिप्रेजेंट द दलित इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है दलितों के रिप्रेजेंटेटिव करके गए थे सो ही डिमांडेड द सेपरेट इलेक्ट्रोलेट फॉर द दलित और उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्ट्रोलेट की मांग जो है इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनाल्ड डिक्लेयर्ड कम्युनियल अवार्ड और जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई उसके बाद में जो है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है राम से मैकडोनाल्ड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कम्युनियल uh, अवार्ड uh, के जरिए uh, और अकॉर्डिंग टू इट दलित वेयर गिव सेपरेट इलेक्ट्रोलेट और उन्होंने जो है uh, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट जो है uh, uh, दलितों के लिए जो है सेंक्शन कर दिया देन गांधी जी वेंट ऑन फास्ट एंड टू डेथ एट येरवाड़ा जेल हुँ? और इसके खिलाफ ये जो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट गा, गांधी जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है मांगा था और जिसको मैकडोनाल्ड ने जो है डिक्लेयर कर दिया था तो गांधी जी ने उसके खिलाफ जो है येरवाड़ा जेल में जो है आ, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया हु? उसके अगेंस्ट में द ग्रांटिंग अ सेपरेट इलेक्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वो जो है अलग जो इलेक्ट्रोलिट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पे जो है दिया जा रहा था उसके खिलाफ जो है गांधी जी ने जो है अपना अंशन जो है शुरू कर दिया था येरवाड़ा जेल में द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्वेस्टेड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर टू रिकन्सिडर द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट और जो इंटरनेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी जो है वो फास्ट पे जो है बैठे हुए हैं उपोषण पे बैठे हुए हैं और उनको अगर कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कि उनकी जो डिमांड है उसको वो मतलब कैंसिल कर दे तो कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ़ द नेशन डॉक्टर बाबा साहेब वाज रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट और नेशन के इंटरेस्ट के लिए और उनको ये भी लगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कि अगर उन्होंने ये नहीं किया मतलब कैंसिल नहीं किया तो हो सकता है उनके जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो सकता है उनको कोई नुकसान ना हो इसीलिए जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो रेडी हो गए इस रिक्वेस्ट को मानने के लिए ओके इन 1932 महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साइन द फेमस पूना पैक्ट और बाद में जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है एक पूना पैक्ट साइन किया था अकॉर्डिंग टू तो दिस पैक्ट सेपरेट इलेक्ट्रोलेट फॉर द दलित वाज कैंसल्ड एंड अ प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट वॉज मेड और इस पैक्ट के जरिए जो है सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स दलित को जो है नहीं दिया जाने वाला था वो कैंसल हो गया था और उसके जगह पे जो है एक रिज़र्व सीट जो है वो दलित को दी जाना मान्य हो गया था ओके okay. ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे देश का उस टाइम हुआ था ओके देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1932 द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज इन इंग्लैंड तो नवंबर 1932 में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी इंग्लैंड में द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाईकॉट द कॉन्फ्रेंस थर्ड इंडियन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है जाना कैंसल uh, कर दिया था उन्होंने बॉयकट कर दिया था सो दस दिस कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी फ्यूटाइल और इसमें इस, ये भी जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो मीनिंगलेस हो गई सेकेंड फेज़ ऑफ अ सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट सिविल डिसओबिडियंट मूवमेंट जो है गांधी जी ने जो है वो विड्रॉ की थी hmm? गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद द डिजेक्टेड माइंड जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था hmm? तब जो है आ, आ, जो है निराश होकर जो है वो, वो वापस आए थे ही डिसाइडेड टू रिस्टार्ट द सिविल डिसबीडियंट मूवमेंट और फिर जब वो वापस आए तब उन्होंने फिर से जो है सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट स्टार्ट करने की सोची क्योंकि पहला जो डिसोबिडियंट मोमेंट जो है उन्होंने जब विड्रॉ किया था तब जो है गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हुआ था और जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक मतलब फेडरल स्टेट का निर्माण करने का जो है आश्वासन जो है इंडिया के लोगों को दिया था हुँ? और एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के लिए होगा ये भी जो है उन्होंने माना था हा? लेकिन वो पर जो है ऐसा वो हुआ नहीं तो गांधी जी जो है वो मतलब बहुत ही निराश होकर जो है सेकंड राउंड टेबल में से जो है वापस आए थे देन गांधी जी वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड अब जैसे ही इन्होंने फिर से सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा हाँ और ये स्टार्ट हो गई तो गांधी जी को जो है इमीडिएटली अरेस्ट किया गया हेन्स देयर आर अ डिसकंटेंट अमंग द पीपल और इससे जो है लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा निराशा हुई गवर्नमेंट रिस्पोंडेड टू दिस मूवमेंट बाय यूजिंग इन ह्यूमन ऑपरेसिव मेथड और गवर्नमेंट का जो इस मोमेंट के तरफ जो रिस्पांस था वो बहुत ही इन ह्यूमन था मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफें जो है लोगों को देना जो है गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सो देयर वॉज स्ट्रगलिंग स्ट्रैंगलिंग ऑफ अ सिविक राइट एवरीवेयर और सभी तरफ जो है ये हमारा जो सिविक राइट right है वो जो है कुचला जा रहा था द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एसोसिएट इंस्टीट्यूशन वे आर डिक्लेयड इलीगल और इंडियन नेशनल कांग्रेस को और उसके जो इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर इसका काम होता था वो सब जो है इलीगल ठहराए गए रिस्ट्रिक्शन वेयर लेविड ऑन अ नेशनल न्यूज़ पेपर एंड नेशनल न्यूज़ पेपर को और जो हमारा लिटरेचर है जो हमारा साहित्य है उसको जो है इ्लीगल करार दिया गया फाइनली इन अप्रैल नाइनटीन थर्टी फोर गांधी जी मूवमेंट और फाइनली जो है 1934 को गांधी जी को जो है ये मूवमेंट को बंद करना पड़ा एंड द हिस्टोरिक फेज आप सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट केम टू एन एंड और ये जो हिस्टोरिक फेज है सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट का ये जो है इस तरह से एंड करना पड़ा ठीक है तो यहाँ पर जो है ये लेसन जो है हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी है इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर भेज सकते हो और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा So, students, thanks for watching this video. If you like this video, then please like it, share it, and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the notification of our latest video. So, till then, thanks for watching this video and keep watching Rajashi classes. So, bye.